वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर की हमारी फोर्थ नंबर थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो ये हमारी फोर्थ नंबर थ्योरी है, इससे पहले हम तीन कवर कर चुके हैं, कौन सी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो उनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम फोर्थ नंबर शुरू कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। देखो अब ये क्या होती है, देखो दिस थ्योरी इज ड्यू टू हेग। तो देखो ये जो हेग है वो बंदा है या साइंटिस्ट है, उसके नाम पर ये थ्योरी है, इज नोन एज हेग्स थ्योरी। तो उसके नाम पर भी ये थ्योरी का आपको नाम आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर ऑफ अ मटीरियल अकर्स व्हेन द टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये चीज हमेशा बदलती रहती है हर थ्योरी में, बस जो भी यहाँ चीज होती है वही यहाँ पे आती है। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल रिच इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। तो वो ये कि पर यूनिट वॉल्यूम, जब हमारी टोटल स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम हमारी पहुंच जाती है, रिच इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन, तब तक हमारा फेलियर अकर होता है। और ये कौन सी थ्योरी होगी, हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो सबका ये चीजें तो सबकी सेम होती है, बस यहाँ पे थोड़ी सी ये लैंग्वेज बदली होती है। तो देखो अब ये हमारी थ्योरी कहती है, देखो वी नो, अब आप सोचोगे सर वी नो हम ये हमें कहां से पता, हमें कहां से पता है, प्रिंसिपल सेशन स्ट्रेन हमारे चैप्टर से पता है। ठीक है, वो भी हमारा सोम का चैप्टर है, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पूरा चैप्टर को कवर कर रखा, उसमें हम फाइंड करते हैं। तो उसमें हम फाइंड करते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू वर्क डन इक्वल क्या होती है, वहां पे इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा एल, जो कि हमारा एलोंगेशन होता है, जो हमारा मटेरियल स्ट्रेनिंग जो हमारी अक्कर होती है, थोड़ा सा अगर जैसे लोड लगता है तो हम कह देते हैं ना कि लोड लगा तो स्ट्रेच होगी चीज, तो वो जो हमारा ये वाला डेल्टा एल ये वाली चीज होती है वो आपको पता है, बहुत इजी है। तो देखो हाफ इक्वल टू पी इंटू डेल्टा एल। अब देखो जो लोड है, देखो लोड को हम कैसे, हम इसको सिग्मा की टर्म्स वगैरह में लाना है, सिग्मा स्ट्रेन की टर्म में लाना है, तो अब कैसे लाना, देखो पहले लोड को उठाते हैं, लोड को हम कैसे करेंगे सिग्मा, देखो जो हमारा स्ट्रेस होता है वो कहता है लोड अपॉन एरिया होता है ना, लोड अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से हम लोड रख लेंगे इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो अब लोड की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया यहाँ पे आपकी ऐसी वैल्यू डल की सिंपल है। देखो डेल्टा एल की बताते हैं, अब आपको पता है स्ट्रेन क्या होता है, देखो स्ट्रेन क्या होता है, देखो डेल्टा एल बाय एल मतलब एलोंगेशन अपॉन लेंथ, ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ जो हमारी होती है, देखो डेल्टा एल बाय एल, अब यहाँ से डेल्टा एल यहाँ पे रख लेंगे, एल को इधर ले देते हैं स्ट्रेन इंटू लेंथ, तो यहाँ पे स्ट्रेन इंटू लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो आपको अच्छे समझ आएगा ना कैसे है, तो देखो अब जो हमारा एरिया, तो हमारा ये एरिया और हमारी लेंथ, अब देखो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है हमारा वॉल्यूम, तो हमने ऐसे इंटू वी लिख दिया, तो वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो क्या होगी हमारी स्ट्रेन एनर्जी क्या बनेगी, देखो हाफ इंटू ये क्या हमारा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है ये चीज बन गई। अब हम कहते हैं देखो हमें कहता था टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन ये टोटल नहीं आई अभी, ये टोटल नहीं आई, सिंपल आई है अभी। ठीक है ना, तो देखो अब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, हमने डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया, तो हाफ इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेन, ठीक है ना, तो सिग्मा इंटू स्ट्रेन मतलब ई हमारा, या फिर आप स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिख सकते हो। तो देखो अब हमारा ये ऐसे एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी तो नॉर्मल हमारी एक वो आ गई टर्म आ गई, अब इसमें हम वैल्यूज डालनी है अभी, तो कैसे, देखो नाउ फॉर थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, तो हम थ्री डायमेंशन में चल रहे हैं, द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज एक्टिंग एट अ पॉइंट एट सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री, आपको पता हमने पहले वाले लेक्चर से करते आ रहे चीजें, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आर ई वन ई टू एंड ई थ्री रिस्पेक्टिवली, तो ये हमारे स्ट्रेन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब ई वन क्या हमारा स्ट्रेन, देखो अब आपको पता है कि देखो अब हम मैं बोलूंगा मॉडल से इलास्टिसिटी, देखो आपको क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस होगा ना, स्ट्रेस अपॉन हमारा क्या होता है स्ट्रेन होएगा। ठीक है, स्ट्रेन हमने ई लिया हुआ है, तो यहाँ पे ई ऐसे चला गया, तो ये सॉरी ये छोटा ई इधर स्ट्रेन इधर चला गया और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वाला ई नीचे आ गया, तो ऐसे वन बाई ई ऐसे आई। ये हमने अपने लेक्चर टू में कवर करा था, कौन सा था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, आप उसमें देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे समझाया, देखो ई वन हमारा क्या गया वन बाई ई, तो ये ब्रैकेट में देखो सिग्मा वन माइनस म्यू, म्यू हमारा यहाँ पे क्या पॉइजन रेशियो, ठीक है याद रखना पॉइजन रेशियो, ब्रैकेट में सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री, हर एक पॉइंट पे हम देखेंगे। देखो अब स्ट्रेन ई वन ये आ गया, ठीक है ड्यू टू सिग्मा वन, ठीक है अब सिग्मा टू के लिए ये वाली वैल्यू आ गई, सिग्मा थ्री के लिए ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है तीनों की अब ये वैल्यू होगी। अब हमें देखो क्या करना है, अब सिंपली देखो टोटल हमें कहा था, अब अगर आप देखोगे इसमें तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला था, ठीक है पर यूनिट वॉल्यूम तो हमारे पास थी स्ट्रेन एनर्जी, लेकिन टोटल नहीं थी, तो टोटल ऐसी होगी ये वैल्यू सारी इसमें भर दोगे, तो कैसे देखो ये यू इज इक्वल टू देखो हाफ इंटू सिग्मा वन इंटू ई वन, ठीक है ना सिग्मा वन, देखो ये भी हमारा सिग्मा वन हो जाएगा, ये भी हमारा ई वन हो जाएगा ऐसे, प्लस देखो सिग्मा हाफ इंटू सिग्मा टू इंटू ई टू, ठीक है ना, तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यही वाला हो गया, बस टू आ गया। अब थ्री, अब देखो ये सारी वैल्यूज इसमें भरनी है, ई वन ई टू ई थ्री की वैल्यूज भरी आएंगी, सिग्मा की तो सेम रहेगी, ठीक है सिग्मा की कोई वैल्यूज नहीं है, तो अभी तो ऐसे ई वन ई टू ई थ्री ऐसे भर दोगे। ठीक है, देखो अब इसमें अगर आपने फिल कर दिया इसमें, तो देखो कुछ लास्ट टर्म आपकी ऐसे निकलेगी, देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप करा है, क्यों करा, क्योंकि मुझे आपको कैलकुलेशन नहीं दिखानी, मुझे आपको मेथड समझाना है, तो कैलकुलेशन का आप एक स्टेप अपना कर सकते हो अपने नोटबुक्स वगैरह में जब भी आप या फिर एग्जाम वगैरह करोगे,
तो अभी स्ट्रेट लाइन की देखो ये वैल्यू आ जाती है 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इनटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इनटू सिग्मा 1 ब्रैकेट क्लोज। तो देखो ये तो आ गया टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो हम कहते हैं कि हमें लास्ट एलिमेंट भी तो चाहिए थे। अगर आप देखोगे हमारी थ्योरी तो कहता है कि रीच इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। तो इलास्टिक लिमिट तक का भी तो चाहिए, उसमें इलास्टिक लिमिट देखो क्या होता है ET स्टार ठीक है ना। स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रेन एनर्जी है ठीक है ना पर यूनिट वॉल्यूम हमारी, तो हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं। देखो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया, हाफ इंटू ET स्टार। ET स्टार क्या मतलब हो गया, ये इलास्टिक लिमिट पर है ठीक है स्ट्रेन, और इंटू सिग्मा T स्टार तो ये भी हमारा इलास्टिक लिमिट पर ऐसे बताते। देखो ET स्टार इज स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा T स्टार, तो ये अगर सिग्मा T स्टार यहाँ पे सिंपल टेंशन को इलास्टिक लिमिट पर है तो हमारा स्ट्रेन भी इलास्टिक लिमिट पर हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। देखो अब क्या होगा आगे, हाफ इंटू देखो सिग्मा T स्टार आ गया ठीक है, एक तो ये सिग्मा T स्टार है। अब हमने ET स्टार को भी सिग्मा में कन्वर्ट कर लिया, कैसे कर लिया, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन ये सारा हमारे इलास्टिक लिमिट पर था। देखो ये वाली चीज इधर चली गई, ये इधर आ गई, तो ये वैल्यू आपने इधर डाल दी, और इसका टू क्या हो गया ½ 1/2e × σT² का स्क्वायर ठीक है। अब ये चीज होगी, हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई। अब कहते हैं फेलियर कैसे अकर होगा, देखो फेलियर कैसे अकर होगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द फेलियर ऑफ द मटेरियल विल अकर इफ ये वाली जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी टोटल स्ट्रेन एनर्जी मोर देन या फिर इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी टोटल स्ट्रेन एनर्जी एट इलास्टिक लिमिट ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम एट इलास्टिक लिमिट ठीक है। ये भी पर देखो मैंने यहाँ से 1/2e और 1/2e काट दे ठीक है, आपको काटना नहीं काटना वो आप पर है ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 1/2e 1/2e मैंने कट कर दिया, देखो इसमें कोई जरूरत नहीं थी उसकी, तो 1/2e आप लिख सकते हो वैसे आपकी मर्जी है। देखो अब हम कहते हैं कि चलो ये हमारा फेलियर अकर नहीं हुआ ठीक है, अब तो ये वाली टर्म आ गई, देखो इससे पता चल जाएगा फेलियर अकर होगा या नहीं होगा ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। देखो हम कहते हैं कि फेलियर अकर नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो अब कहते हैं कि अब डिजाइन भी तो करोगे ना, अगर हमारा फेलियर अकर हुआ ही नहीं मटेरियल तो डिजाइन पर्पसेस पे भी देख लेते हैं क्या चीज होती है। तो डिजाइन करने के लिए आपको सेफ्टी फैक्टर निकालना होता है, वो कैसे निकलता है, देखो σT = σT* / सेफ्टी फैक्टर। अब सिग्मा टी क्या होता है हमारा, देखो हमारा होता है परमिसिबल स्ट्रेस, तो मतलब परमिसिबल स्ट्रेस मतलब जो हमारा स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम है वो कहां तक जा सकता है ठीक है, जो हमने निकाला, तो जो हमने अभी ये निकाला हमने सारी स्ट्रेन एनर्जी जो भी हमने पूरी निकाली है इसको इक्वल टू बस सिग्मा T² रख देना, बस यहाँ पे ये जो हमारा स्टार होता है ना ये इक्वल टू करके बस यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसमें आपको सिग्मा T डाल देना ठीक है, मतलब ये सारा आपका सिग्मा T² ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सिग्मा T निकल जाएगा, सिग्मा T आप यहाँ पे डालो सिग्मा T स्टार आपका ऐसे है, तो सेफ्टी फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि फेलियर हमारा कैसे अकर होता है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा मेथड कैसे सॉल्व होता है। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल आर 200 Nm/mm² टेंसाइल, 100 Nm² टेंसाइल एंड 50 Nm² कंप्रेसिव। तो देखो इससे पता चलता है कि जो हमारा 200 है ये हमारा सिग्मा 1 हो जाएगा, 100 हमारा सिग्मा 2 हो जाएगा, और 50 कंप्रेसिव जो आता है वो हमारा सिग्मा 3 होता है, 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो सिग्मा 3। देखो अब यही सेम क्वेश्चन मैं पिछले दो लेक्चर्स में भी कराता आ रहा हूँ, लेकिन बस हमारा फर्क क्या पड़ता है स्ट्रेन एनर्जी, मतलब थ्योरी का फर्क पड़ता है सिर्फ कि कौन सी थ्योरी से हमें डिटरमाइन करना है। तो देखो उसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले वाले में जो हमारा लेक्चर 2 है उसमें हमारा फेलियर अकर नहीं होता, लेक्चर 3 में हमारा अकर हो जाता है ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि अकर होता है नहीं होता। देखो इफ द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन इज 200 Nm/mm², तो एट इलास्टिक लिमिट तो ये सिग्मा T स्टार हो जाएगा। डिटरमाइन द वेदर द फेलियर ऑफ मटेरियल विल अकर और नॉट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। देखो आपको ऐसे दिया होगा कि कौन सी थ्योरी के बेसिस पे आपको ये डिफाइन करना है ठीक है फेलियर, तो आपको ऐसे दिया होगा टेक पॉइजन रेशियो 0.3 क्योंकि म्यू है तो ये हमें लेना पड़ेगा ठीक है, आपको गिवन होगा। तो देखो अब हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन, देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमेशा आपको पता होता है गिवन लिखना चाहिए, तो गिवन आपको देखो क्या आएगा सिग्मा 1 इक्वल टू 200 Nm/mm² ठीक है टेंसाइल, ये आपको ऐसे लिखना है टेंसाइल। सिग्मा 2 आपका देखो क्या आएगा 100 Nm/mm² टेंसाइल ठीक है, ये भी आपका टेंसाइल आ जाएगा। सिग्मा 3 आपका क्या हमारा 50 Nm/mm², ये हमारा कॉम्प्रेसिव है, कॉम्प्रेसिव है तो मतलब क्या आ जाएगा -50 Nm/mm² ऐसे लिख लेना, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है ठीक है ना, तभी आपको याद रहेगा टेंसाइल कंप्रेसिव ऐसे लिख लेना ठीक है ना, तो आपको इजी रहेगा। तो सिग्मा T स्टार हमारा यहाँ पे क्या है 200 Nm/mm² और हमारी पॉइजन रेशियो क्या है 0.3 ठीक है। अब देखो अब हमारी जो थ्योरी है वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस फेलियर ऑफ द मटेरियल विल अकर। अब ये होता है देखो, अब अगर मैं इसको छोटी वे में लिखूं तो हमारी जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होती है, ये जो हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी होती है वो मोर देन या फिर इक्वल टू जब हमारी यू एट इलास्टिक लिमिट होती है स्ट्रेन एनर्जी ठीक है ना, एट इलास्टिक लिमिट जो होती है तो तब हमारा फेलियर अकर होता है ठीक है। अब देखो हम पहले ये निकालते हैं, फिर हमें ये निकालना है, फिर उससे पता चल जाएगा कि फेलियर अकर होगा नहीं होगा ठीक है। अगर ये बड़ी टर्म आ गई तो फेलियर अकर होगा, अगर छोटी आ गई तो नहीं होगा, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे। देखो अब सबसे पहले हम वो टर्म लिख लेते हैं ठीक है, तो आपको पता है टर्म लिख लेते हैं। अब मैं 1/2e यूज करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे,
आप ये नहीं कर सकते कि सीधा आप ये वाली टर्म लिख दो, क्योंकि ये तो मैंने आपको हाफ ऑफ कट कर दिया। लेकिन अगर आपको सिंपल ये वाली टर्म लिखनी है ना, ये वाली, तो आपको 1/2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 ही लिख लेना, ठीक है, इजी रहता है। टीचर भी जो चेक करेगा कहीं वो समझे कि आपको तो गलत आता है, तो ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो 1/2 ही ले लेना एक सेफ साइड के लिए। तो 1/2 ही हमने ऐसे ले लिया, तो आपको पता पूरा क्या है, σ1² प्लस σ2² प्लस σ3², ठीक है, -2μ σ1 σ2 प्लस σ2 σ3 प्लस σ3 σ1, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, एक दो बार लिखोगे बैठ ही जाएगा ये मन में पूरा अच्छे से। ठीक है, तो अब ऐसे हो गया। अब देखो, अब इसकी वैल्यूज भरेंगे, देखो 1/2 ही ऐसी रह जाएगा, सिंपल इसमें वैल्यू भरो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की वजह से लंबा हो जाएगा एक आपका आंसर वहां पे एग्जाम में। वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड होते हैं एग्जाम में, तो वैसे ज्यादा कोई कैलकुलेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, σ1² क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर प्लस σ2 का क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस σ3 का देखो क्या आएगा, -50, -50 का स्क्वायर। देखो वैसे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको -50 यहाँ पे शो करना है। -2 × μ हमारा कितना है, 0.3, 0.3। σ1 σ2 देखो, σ1 हमारा कितना, 200, ठीक है, σ2 हमारा 100, तो ऐसे ले लिया देखो प्लस, ठीक है। अब हमारा 100 × -50, ठीक है, ऐसे हमारा ये -50 हो जाएगा σ3 प्लस -50 × में हमारा क्या हो जाएगा, σ1 200। देखो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, u = 1/2 ही। पूरा अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, आप आराम से करना, आप शीट पे अगर अभी आपके पास कोई नोटबुक वगैरह तो आप आराम से सॉल्व करना, तो 4950। शायद मेरी भी गलती हो सकती है, तो आप प्लीज आप भी कर लेना एक बार। देखो, u = क्या आ गया, 1/2 ही, 4950। तो टोटल सेल एनर्जी तो ये आ गई, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम आपकी ये आ गई, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज तो निकल गया, हम ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकलेगी, तो आपको पता ही है, अभी हमने देखा था इसमें, देखो इसमें हमारा ये वाली टर्म लेंगे, 1/2 × σ2² ठीक है, ये वाली ना ही, ये वाली टर्म लेंगे, ठीक है। अब ये वाली हम यहाँ पे लेते हैं, तो देखो क्या बनता हमारे यहाँ पे, यू टी यहाँ पे ऐसे स्टार ले लो अगर आपको लिखना नहीं, तो वैसे तो आप एग्जाम में तो आराम से लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। तो आपको तो ये चीज लिखनी है, मैंने तो सिर्फ आपको शॉर्टकट सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 × में हमारा क्या आएगा, देखो σt² ठीक है। अब देखो 1/2 और हमारा σt देखो क्या था, अभी हमने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन में 200, तो इंटू में 200 का स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या आ जाता है हमारा, ut² क्या आ जाएगा हमारा, एक तरह का 1/2 40,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करोगे 4, तो 4, 2 0 तो 4 हो जाएंगी, ठीक है, तो 40,000 आ जाएगा ऐसे 1/2। तो इससे देखो हमें क्या पता चलता है, देखो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ये है, हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी टोटल निकला है, यू टोटल है, यू टोटल मोर देन इक्वल टू होना होएगा ut² से, मतलब कि अगर फेलियर करोगे तो इसके लिए होगा। तो देखो अब ut टोटल हमारा देखो क्या निकला, स्ट्रेन एनर्जी टोटल क्या निकली थी हमारी, 1/2 49500, ठीक है, ये निकली थी। इज मोर देन इक्वल टू क्या हमारी, 1/2 40,000, ठीक है। तो मतलब कि हाँ भाई ये तो मोर देन ही है ना, ये तो मोर देन है, ओके हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर फेलियर विल अकर, बस आपको और कुछ नहीं लिखना, लास्ट में लिखना देयरफॉर फेलियर विल अकर। आपको जैसे मैंने करा सिंपल ऐसे सेम ऐसे ही कर दोगे ना, फिर भी आपको सारे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखो ये पूरा ये फॉर्मूला आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। न्यूमेरिकल मैंने हर एक क्वेश्चन के हर एक थ्योरी के बाद मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पर, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविन साइड को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।